यूपी में वाराणसी में गंगा में नाव चलाने वालों ने 22 जनवरी को फ्री सेवा देने का ऐलान किया है। ये फैसला अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मद्देनजर लिया गया है। नाव वालों ने कहा है कि इस दौरान लोगों के लिए नावों की सवारी पूरे दिन फ्री रहेगी। उस दिन बहुत सी नावें एक साथ गंगा में चलाई जाएंगी, लोग उसमें मुफ्त में गंगा की सैर कर सकेंगे। वहीं कुछ नाविक पूरे दिन लोगों के लिए फ्री नाव चलाएंगे। हम लोग राजघाट से शोभा यात्रा निकालेंगे और शोभा यात्रा में हम लोग पूर्ण रूप से नौकायन फ्री कराएंगे लोगों को। जितने लोग भी जहाँ से चाहे नाव में बैठेंगे और शोभा यात्रा तक हम अपनी नावें फ्री चलाएंगे। और कुछ भाइयों ने तो यहाँ तक कह दिया कि मैं शोभा यात्रा ही नहीं बल्कि सवेरे से ही अपनी नाव फ्री चलाऊँगा। तो ये बात आप मान के चलिए कि उस दिन नौकायन फ्री होगा। हमारे भाई लोग जिसका इच्छा रहेगा फ्री में नौकायन कराएगा, लेकिन शोभा यात्रा में पूर्ण रूप से नौकायन फ्री होगा। जो बहुत बड़ा उत्सव आने वाला है 22 तारीख को श्री राम जी का, तो हम लोग उसमें एक बैठक में फैसला लिए हैं कि 22 तारीख के दिन हम जितने भी यात्री हमारे नाव पर यात्रा करेंगे, हम सभी लोगों को फ्री में यात्रा करवाएंगे। शहर के लोगों ने नाव वालों की इस पहल का स्वागत किया है। फ्री में अच्छी बात है, टूरिज्म बढ़ेगा। मोदी ने बहुत अच्छा काम किया है टूरिज्म के लिए। बनारस से घाट बन गए हैं, टूरिज्म बढ़ गया है, यातायात के साधन भी हो गए हैं, रोड रास्ते भी सुधर गए हैं। काफ़ी अच्छा काम किया है मोदी जी ने। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह में करीब 8,000 लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में खास मेहमान होंगे। देश के कई शहरों में भी इस दिन खास कार्यक्रम किए जाएंगे। इस दौरान कई लोगों और संगठनों ने अपनी सेवा फ्री देने का ऐलान किया है।